आमदार प्रकाश सुर्वे नए वर्ष में भी वर्किंग मोड पर। ममता दिन के शुभ अवसर पर मागाठाणे के आमदार प्रकाश सुर्वे वर्किंग मोड पर श्री कृष्णगंज नेशनल पार्क बोरीवली स्थित नदी पर बनने वाले ब्रिज का निरीक्षण किया। बीएमसी के अधिकारियों और इससे संबंधित अधिकारियों के साथ चल रहे कार्य का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि मार्च एंडिंग तक इस ब्रिज को बनाकर लोगों को सौंप दिया जाएगा। इस ब्रिज के बन जाने से गोकुलानंद के पास हो रहे ट्रैफिक समस्या से राहत मिल जाएगी। इससे लगभग 90,000 लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसके बाद उन्होंने शाखा क्रमांक 4 में पहुंचकर वहां छत्रपति शिवाजी महाराज जी को माल्यार्पण किया और लोगों को ममता दिन की ढेर से धन्यवाद। तो बीबीसी थोड़ी है। पेपर हो गए तो 2 दिन में दे दो, बाद में बोलना मत तुमको मिला नहीं। अरे एक मिनट इकड़े आता भैया। अरे पहला एक तो ले भाई, जाओ जाओ आगे जाओ। हां सर, सर पेपर मांगने जमा कर दादा, इनकी भी दुकान है इधर। में ब्रिज का काम पूरा होके मुख्यमंत्री के हाथों से ओपनिंग करके एक पेस लोगों को दिया जाएगा। और उसके बाद में जहाँ जहाँ अड़चनी है, जैसा फर्श का मसला है, बिल्डिंग का मसला है, उन दोनों में मसला मुख्यमंत्री के मीटिंग लेके वो भी पूरा किया जाएगा। बोलो ना, मार्च 1 में एक फेस काम शुरू हो जाएगा, उनके लोगों की जो तकलीफ है तकलीफ दूर हो जाएगी। इधर कम से कम मैंने बोला तो 80-90 हज़ार लोगों को सुविधा होती है। आज 6 जानेवारी आहे आणि माँसाहेबांचा ममता दिवस आज आम्ही साजरा करत असतो संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये। महाराष्ट्राची मायमाऊली, आमच्या शिवसैनिकांची सावली माँसाहेब मीनाताई ठाकरे यांचा आम्ही आज ममता दिन साजरा केला शाखेमध्ये सर्व महिलांना घेऊन। तसेच या ममता दिनाच्या निमित्ताने आम्ही या विभागामध्ये पीएमसीचे डीएमसीचे सर्व अधिकारी आमचे आमदार प्रकाशदादा सुर्वे यांच्या समवेत घेऊन इकडे हा 60 फुटी जो रोड आहे, हा रोडच्या रुंदीकरणाविषयी त्याच्या लोकांना लवकरच न्याय त्याविषयी मिळणार आहे आणि या रस्त्याचं रुंदीकरण होणार आहे। तसेच या सर्व महिला, ह्या सर्व ज्येष्ठ नागरिक आहेत, या सर्व ज्येष्ठ नागरिक महिलांना ममता दिनाच्या निमित्ताने आम्ही घरघंटी शिलाई मशीन आणि मिरची कांडपचं मशीन, तसेच आम्ही पत्रावळी ड्रोनचं जे मशीन असतं हे आम्ही दादांच्या आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ह्या महिलांना सर्वांना देणार आहोत।